और खबरों में सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण को लेकर, तो राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर बेहद गंभीर है जी। आज भी सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ और सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठक की है और सभी से कोरोना की स्थिति पर संवाद किया। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तो वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, मोती डोंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा और मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। सभी ने कोरोना की गाइडलाइन की सख्ती से पालना की अपील की और सरकार का सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, कोरोना की लड़ाई अस्पताल में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाई जनता के सहयोग से लड़ी जाएगी। पिछली बार भी सभी ने सहयोग किया था और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का सहयोग हमें मिलेगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए ये बैठक की और बैठक के माध्यम से कोरोना की स्थिति पर मंथन किया गया सभी धर्मगुरुओं के साथ और साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में चर्चा की गई। अस्पतालों में भी सब जगह लोगों ने भरपूर सहयोग किया, सूखा राशन भी, पक्का राशन भी सरकार ने भी राशन भी दिए और पानी भी दिया, अभी भी दे रहे हैं। तो हमने सबने मिल के मुकाबला उस वक्त किया था। अभी आप सुन रहे हो कि जो दूसरी लहर आई है बहुत खतरनाक आ गई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अप्रैल ही अभी। तो पिछली बार भी सितंबर अक्टूबर में उसका पीक आया था, अब पता नहीं पीक आएगा सितंबर अक्टूबर में तब तो या तो खत्म हो जाएगा, अगर बढ़ गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम लोगों सबको मिल के ही करना पड़ेगा, मिलने में ताकत है। पूरे प्रदेशवासी हो, जन नेता हो, राजनेता हो, व्यापारी हो, ट्रेड यूनियन वाले हो, धर्मगुरु हो, सबको मिलकर ही करना पड़ेगा पहले की तरह। मुझे गर्व है कि राजस्थान की जनता ने पिछली बार फुल कमी नहीं रखी, कोई भूखा नहीं सोएगा का आपने उसको निभाया। राजस्थान सतर्क है, उसी ढंग से आप सतर्क रहे, अब भी वही भावना में है, कोई चिंता की बात मत करो, सारी व्यवस्था आपने कर रखी है। पहले हम जीरो पे थे टेस्टिंग में, 70,000 टेस्टिंग पर डे करते हैं, 1,00,000 तक जाएंगे। स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप हुई, एक मेडिकल जो वैन है सिर्फ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो जिले में छोड़ी, 2,444 पॉइंट्स, कोल्ड चैन पॉइंट्स वो पूरे राजस्थान में डेवलप किए गए। और जो सत्र स्थल होती है जो जहाँ पे वैक्सीनेट किया जाता आदमी को, उसकी तैयारी भी पूरी की हमने। 1 करोड़ वैक्सीन पूरे राजस्थान में लगाई, लेकिन हमें मिली भी इतनी। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि जब हम ये कहें कि वैक्सीन है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हकीकत में हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं होती है। अभी बात करते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखी, हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी। वो बहुत साफ और स्पष्ट हो चुकी है कि ये कोरोना की दूसरी वेव जो खतरनाक है, इसके लिए हमको और कठोरता के साथ में सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है और लोगों को संक्रमित होने से बचाना है। जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, मैं केवल उस पर अपनी बात रखूंगा, बाकी बातें कल हो चुकी थी। तो 10वीं और 12वीं की CBSE ने, अभी शायद प्रधानमंत्री जी ने 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया है और 10वीं की परीक्षा को कैंसिल किया है। मेरा सुझाव है कि 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स को अपन स्थगित करें और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा हम करवा रहे हैं उसको हम कैंसिल करें। और हमारे धार्मिक नेता, एनजीओ के लोग जुड़ेंगे। वैसे तो जो प्रारंभिक प्रस्तावना में जो वैभव गलारिया जी ने जो भूमिका रखी है और उसको राजेंद्र राठौड़ जी ने आगे बढ़ाया, तो उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि संक्रमण बढ़ रहा है भयावह तरीके से। दूसरी जो बात थी कि ये भी हम फर्क महसूस करते हैं कि पहले जितनी चेतना थी, जो एक अवेयरनेस थी, वो अब थोड़ी सी लापरवाही रूप में हम सब के बीच में दिखती है। हम राजनीति के लोग कुछ परिस्थिति बस मजबूर जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से भी लोगों की सबके साथ लेके और एक चेतना की जरूरत अब ज्यादा महसूस होती है। निश्चित तौर पर पॉजिटिव रेट 8% से बढ़ जाना, एक सप्ताह में 32,000 ज्यादा एक्टिव केस आ जाना और एक्टिव केस का प्रतिशत भी 10 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाना,
और रोज की मृत्यु भी 28 पे से ज्यादा हो जाना चिंताजनक बात है। मुख्यमंत्री जी, पिछले बार जो फर्स्ट वेव था उसमें सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम लिया किया, तो इस बार भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस पूरी वैश्विक महामारी में हम और हमारे पूरे साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे। पिछली बार जो छोटी मोटी बातें रहेगी उनसे भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। पर मेरा एक निवेदन है, इस बार हाल फिलहाल जो लोग टेलीफोन करके रेमडेसिविर और टेस्टली मुझे इंजेक्शन की कमियों के बारे में बात करते हैं, और इसके लिए कम से कम पैनिक क्रिएट नहीं हुआ।